असम में गृह मंत्री अमित शाह तिनसुकिया में मौजूद है और वहां पर उनकी एयर रैली चल रही है। असम में भी चुनाव है, वहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। घुसपैठ चाहते हो आप? मुझे एक बात बताओ भाई, ये राहुल बाबा अपनी गोदरी में बदरुद्दीन अजमल को लेकर घूमते हैं, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? बदरुद्दीन को साथ में रखकर आसाम सलामत रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? मित्रों, मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरी आसाम की जनता को वादा करने आया हूं, एक और 5 साल दे दीजिए, घुसपैठ आसाम के लिए भूतकाल बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी, यहां कभी घुसपैठ नहीं होने वाला। मित्रों, ये 5 साल हमारी सरकार चली, आमतौर पर चुनाव आता है और विपक्ष के भाषण सुनते हैं तो सरकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई पड़ते, मगर हमारे सर्वानंद और हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसी सरकार चलाई है कि 5 साल तक विपक्ष भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मित्रों, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम हमने किया है। मित्रों, हमने ढेर सारे विकास किए। तिनसुकिया जिले में नामचीक नदी पर आरसीसी पुल बनाने का काम किया, जगुन नामचीक मियामो सड़क का निर्माण पूरा किया। आपने कभी कल्पना की थी कि तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज आएगा? तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हो गई है। हर साल 100 बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेंगे। मित्रों, ये चाय बागान का क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जब चुनाव आता है चाय बागान याद आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक यहां आपकी सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 10 साल तक केंद्र में प्रधानमंत्री आसाम से भेजे थे, मगर चाय बागान के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ही सरकार ने चाय बागान में मजदूरी मुआवजा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 12,000 रुपया देने का काम शुरू किया है और वो सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है। इसके साथ साथ अब तक 47,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को इसका फायदा दिया है और अब ये राशि बढ़ाकर 18,000 करने का काम किया है। उनको किफायती पोषण और पोषण सहायता के उसमें लगभग 6,46,000 परिवारों को सस्ता अनाज पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्वसहाय जूथ है, सेल्फ एड ग्रुप है, उनको 25,000 रुपया देने की सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मित्रों, उद्यमशीलता पैदा करने के लिए शहीद दयालदास पनिका स्वनियोजन योजना के तहत 40 करोड़ रुपया युवाओं के लिए आवंटित किए हैं और उसमें से ढेर सारा रुपया खर्च भी हो गया है। मित्रों, लगभग जनजातियों की ज्यादा संख्या वाले तिनसुकिया जिले में अकेले में 11,142 सर्टिफिकेट देने का काम हमने समाप्त कर दिया है और अभी अभी मोदी जी एक 3,000 करोड़ की योजना लेके आए हैं जिसके तहत स्कूल, रहने का मकान और अच्छे अस्पतालों का निर्माण चाय बागान क्षेत्र में आसाम के लिए विशेष करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी हमने यहां पर वेतन बढ़ाने के लिए भी
बहुत बड़ा निर्णय किया है और 8 सीट चाय बागान के बच्चों के लिए MBBS में रिजर्व करने का काम किया है। भाजपा सरकार द्वारा 130 मोबाइल मेडिकल यूनिट यहां पर तैनात किए गए हैं, जो 445 चाय बागानों में उसकी सेवा दे रहे हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा चाय बागान कर्मचारियों ने इसका फायदा दिया है। और मित्रों, सीधा बैंक अकाउंट खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से बिचौलिए के बगैर श्रमिकों को अपना पैसा सीधा मिलता है। मित्रों, चाहे काजीरंगा का हमारा जंगल हो, चाहे सत्र भूमि हो, एक घुसपैठियों ने अतिक्रमण कर रखा था। ये एंक्रोचमेंट के कारण आसाम की जनता का अधिकार जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने सत्र भूमि में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाया और काजीरंगा में से भी घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाने का काम किया है। मुझे बताइए भाई, इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी, कभी ये कर पाए थे क्या? ये करना चाहते थे क्या? वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो घुसपैठियों में अपना मत नजर आता है, वोट नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल को लेकर समाधान नहीं कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की पार्टी? केरल में उन्होंने समाधान कर दिया मुस्लिम लीग के साथ, जिस मुस्लिम लीग ने देश को तोड़ने का काम किया, इसके साथ समाधान किया। यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के नेता के साथ समाधान किया। एक कांग्रेस पार्टी मित्रों वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। मित्रों, आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि 1-5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सैटेलाइट इमेज से न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का एक सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े बड़े सरोवरों में, बड़े बड़े तालाबों में कैसे बदला जा सकता है, उसका नक्शा बनाया है। और ये बड़े बड़े तालाब और सरोवर जो बनेंगे, वो काम लगभग लगभग समाप्त हुआ है। घुसपैठ अब करना बहुत दिक्कत हो गई है। हमने कहा था आसाम को आतंकवाद से मुक्त करेंगे, लगभग लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने हथियार डालकर मेनस्ट्रीम में आने का काम किया है। बोडो समझौते के बाद अब आसाम के अंदर आतंकवाद भूताल बन गया है। हमने कहा था आसाम को आंदोलन से मुक्त करेंगे। मित्रों, आसाम के अंदर हमने आंदोलन के नाम पर युवाओं की हत्या नहीं करी। ये कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों आसामी युवाओं का आंदोलन के वक्त गोली चलाकर उनको मारने का काम किया था। और वो आंदोलन करने वाले, वही आंदोलन करने वाले आज कांग्रेस को जिताने के लिए वोट कटवा बनकर निकले हैं। आसाम की जनता को इनको जानना चाहिए। आंदोलन पर गोली चलाने वाले और आंदोलन करने वाले दोनों भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा होकर आए हैं, मगर हमने आसाम को आंदोलन से भी मुक्त किया है और हम आसाम को बाढ़ से भी मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
मित्रों, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां पर किए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए गए। एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज बनाने में 30 साल का इंतजार करना पड़ा। कितने साल का भाई, जरा जोर से बोलो। 30 साल तक नहीं बना, मोदी जी ने एक 5 साल में 6 पुल बनाने का काम कर दिया। मोदी जी ने 6 पुल तेल के क्षेत्रों के विकास के लिए, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 46,000 करोड़ रुपया तेल के क्षेत्र के विकास के लिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट को नया बनाने जा रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन, उसका स्थापना किया गया है। टीहू में फूड पार्क बनाया गया है। जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है। शिवसागर में जेरंगा पठार में लगभग अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने 1,00,000 से ज्यादा लोगों को जमीन पट्टे का अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, गैस की रॉयल्टी, मुझे याद है वित्त मंत्री बनने के साथ ही हेमंत विश्व शर्मा, उस वक्त में पार्टी का अध्यक्ष था, आए थे कि साहब हमारे 8,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, प्रधानमंत्री हमने दिया 15 साल तक मगर हमारा पैसा नहीं आया 10 साल तक। हमने कहा कि मोदी जी का समय लो। सर्वानंद जी और हेमंत जी मोदी जी के पास गए, एक सप्ताह के अंदर ही आसाम का 8,000 करोड़ रुपया का रॉयल्टी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये दोनों हमारे नेता यहां बैठे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आसाम को कोरोना के प्रकोप से बचाने का काम किया है। मित्रों, कोरोना काल में आसाम में जितना अच्छा काम हुआ है कहीं पर देश भर में कहीं पर नहीं। तो असम के तिनसुकिया में अमित शाह की रैली और वही कोलकाता में ममता बनर्जी का रोड शो रहेगी, इस पर नजर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।